तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम एच के एस मोबाइल इंजीनियर आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास एक ओप्पो का फ़ोन है जिसमें कि प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। जैसे हमने बैटरी लगाया, जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं, ये देखिए जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में चला जाता है फ्रेंड। ये देखिए नीचे लिख के आ रहा होगा रिकवरी मोड, ये देखिए ये जैसे ही पावर बटन दबाए ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में जाके ऐसे ही लोगों पे ऐसे ही रुका हुआ रहता है, कहीं कुछ नहीं। ना तो ये रिकवरी मोड में जाके फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाता है, ये देखिए पावर बटन भी मैंने उसका वॉल्यूम अप और डाउन दोनों चेंज कर दिया था, हो सकता है इसके वजह से भी हो, बट नहीं प्रॉब्लम सोल्व हुआ। जैसे कि तैसे ये लोगों लिख के ये ऐसे ही रुका हुआ रहता है रिकवरी मोड में जाके, ठीक है। तो फ्रेंड अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो, अगर आपके साथ भी आ रहा हो तो कैसे सॉल्व करना है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा देर देख लीजिए कि वैसे ही रख रखा है। अगर रिकवरी मोड में जाने का होता तो चला जाता, बट रिकवरी मोड नीचे लिख के लोगों पे रुका हुआ रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए इसको हम जो इस तरह से सॉल्व करेंगे कि फ्लैशिंग करके सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसका सारा कुछ प्रोसेस जो बटन उटन का होता है नॉर्मली मैंने कर लिया है। बाकी इसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे इसको फ्लैशिंग करना। ये जो ओप्पो का A1 के ऑफलाइन होता नहीं है, ऑनलाइन होता है, तो इसको हम ऑफलाइन कैसे आपको करना है, इसका जो फाइल ऑथ बायपास होता है कैसे बायपास करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएं। चलिए तो चलिए हम डेस्कटॉप में आपको बताते हैं कैसे करना है आपको फ्लैशिंग। तो फ्रेंड ये देख लीजिए कि सबसे पहले SP फ्लैश टूल से हम फ्लैशिंग करेंगे इसका, ठीक है। और SP फ्लैश टूल से कैसे करेंगे तो इसको जो ओप्पो का OFP फाइल होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर एक्सट्रैक्ट OFP फाइल को स्केटर में कैसे बदलना है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, UMT से किया हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए SP फ्लैश टूल, ये वाला वर्जन जो देख रहे हैं यही वर्जन यूज़ करना है आप लोगों को। SP फ्लैश जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो SP फ्लैश टूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो स्केटर फाइल होता है उसको कैसे बनाना है OFP फाइल को स्केटर में, तो मैं बता दूंगा फ्रेंड, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको स्केटर में जाना है। स्केटर में जाके ये मैं जहाँ फाइल रखा हुआ हूँ इसका, ये देखिए एक्सट्रैक्ट में जाना है, ये देखिए आपको स्केटर फाइल चूज कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग है फ्रेंड, अगर आप नहीं करते हैं वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो शायद हो सकता है आपको OFP फाइल जैसे इसको कैसे फ्लैशिंग करना बीच में एरर आए, आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर जो भाई को नहीं देखना अभी स्किप कर दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो जानना चाहते सीखना चाहते वही इस वीडियो को देखें फ्रेंड, ठीक है। तो MCT टूल भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं ऑथ बायपास करूँगा इसका। तो ऑथ बायपास करने के लिए देखिए MCT टूल जो ये है, ये जो देख रहे हैं ऑथ, इसका इससे बायपास करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, FRP बायपास जो ऊपर टिक दिख रहा है उस पर टिक लगाना है, और वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को लगा देना है, दबा के डाटा केबल कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम ये देखिए जैसे ही डाटा केबल कनेक्ट किए उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए FRP बायपास जो ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, सॉरी बायपास जो लिख रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा कि ऑथ बायपास हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो ऑथराइजेशन होता है ओप्पो का वो बायपास हो जाएगा, उसके बाद हम नॉर्मली SP फ्लैश टूल से कोई भी टूल से और नॉर्मली फ्लैशिंग कर सकते हैं हम इसका। तो ये देखिए नीचे लिख के आ चुका है लेफ्ट साइड प्रोटेक्शन डिसेबल्ड, तो इसके बाद हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो, और कोई भी प्रॉब्लम आया आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड इससे, ठीक है। ओप्पो A1 के है जो कि ऑनलाइन होता था, ये देखिए उस पर ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद नीचे कंट्रोल पे सेलेक्ट करना है और इसमें कनेक्शन में जाना है, और ये कॉम पोर्ट, ये जो कॉम पोर्ट जो बना रखा है ये 7 बना रखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा डिवाइस मैनेजर खोल के इसमें क्या बना रहा है आपका, तो उसके बाद आपको स्टार्ट यहाँ से दे देना है। तो फ्रेंड अभी भी वीडियो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अभी एक और एरर आएगा जो कि मैं एरर आ रहा है इसलिए मैं बताऊंगा बाद में आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड ये जो जब एरर आया आप लोगों को वेरीफाई बूट इज इनेबल्ड, अगर ये एरर आए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको ओके करके हटा दीजिए। और ये जो देख रहे हैं ओप्पो सर्वर लिख के रखा है, ये ओप्पो सर्वर, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बाकी ये ओप्पो सर्वर जो देख रहे हैं 3 नंबर पे रिकवरी के नीचे में प्रीलोडर है, उसके बाद रिकवरी है, उसके बाद ओप्पो सर्वर है, ये वाला
ओप्पो सर्वर, इसको अनटिक कर देना, ओनली अनटिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से स्टार्ट बटन देंगे और हम फिर से इसको फ्लैशिंग करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद हम दिखाते हैं, अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हो सकता है लोगों पर अटक जाए, फ्लैशिंग दिक्कत आ जाए, तो हो सकता है आपका फ़ोन डेड ना हो जाए फ्रेंड, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है। फिर वॉल्यूम अप और डाउन करके डाटा केबल कनेक्ट करते हैं। तो हमें फिर से इसका ऑथ बाईपास करना होगा, तभी ये लेगा फ्रेंड, ठीक है, ऐसे नहीं लेगा ये, ठीक है। हम इसको ऑथ बाईपास पे, ये बाईपास पे क्लिक करते हैं। तो इसका जब तक ऑथ बाईपास, ये देखिए वॉल्यूम अप और डाउन दबा के डाटा केबल आपको कनेक्ट कर देना, उसके बाद बाईपास पे क्लिक करना है। तो ये देखिए प्रोटेक्शन डिसेबल फिर से लिख के आ गया है। डाटा केबल खोलना नहीं है, कनेक्ट ही रहने देना है, मिनिमाइज सिर्फ टूल को कर दीजिए, उसके बाद इस पे डाउनलोड पे टिक लगा देंगे हम। ये देखिए ओप्पो सर्वर को अनटिक कर देना, ये देखिए जैसे ही हम करेंगे मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो एरर आ रहा था। तो अब ये देख लीजिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, एरर नहीं आया फ्रेंड। इससे फ्रेंड आप लोगों का जो स्क्रीन लॉक होता है, स्क्रीन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक और लोगों पे रुका हुआ सेट, इस फाइल से आपका बाईपास मतलब सॉरी अनलॉक हो जाएगा और लोगों से हटक जाएगा, फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा करता हूँ इस वीडियो को आपसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों से मेरा जो वीडियो न्यू जो बनाते हैं वो आपसे मिस ना हो फ्रेंड। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड प्ले कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ फ्लैशिंग करने में, तो आप को डाटा केबल डिस्कनेक्ट वगैरह नहीं करना है। तो फ्रेंड अगर आप मोबाइल पर सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो न्यू से न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो वो आपसे मिस ना हो फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फ्री के टूल में OFP फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना, वो वीडियो बना दीजिए। तो उस पर भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए, कि भाई आपको वीडियो पसंद आता है मेरा वीडियो तो मैं बनाऊँगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए, फ्लैशिंग चल रही है हमारी, थोड़ा स्पीड प्ले कर दिया हूँ वीडियो को। तो फ्रेंड मैं जो हूँ व्हाट्सएप ग्रुप न्यू क्रिएट कर चुका हूँ, जो कि पे होगा फ्रेंड। ये देखिए हमारा फ्लैशिंग हो गया है, डन लिख दिया। अब इसको बैटरी को खोलेंगे और फिर से ऑन करेंगे फ़ोन को, ठीक है, वो पे होगा फ्रेंड, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10 रुपया, ओनली 10 रुपीज़ आपको पे करना है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे कुछ भी से। हम फ़ोन को अब ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद उस ग्रुप में आपको ऐड कर, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए बिल्कुल लाइव कि आपका जो फ्लैशिंग हमने किया वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या फिर से लोगों पर लिख रखा है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि नीचे जो रिकवरी मोड, जैसे पावर बटन दबाते थे लिख के आ जाता था, तो वो अब नहीं आ रहा फ्रेंड। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व वो वाला हो गया है और फ़ोन हमारा थोड़े देर के बाद नॉर्मली ऑन हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को लाइक और आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, तो हमें मोटिवेट मिलता है आप लोगों को कि मैं और भी बहुत सारे आप लोगों को वीडियो बना के दूँ इसी से रिलेटेड फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बगल में ये देख लीजिए कि बेल आइकन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ। कई भाइयों का सब्सक्राइब कर देते हैं, बगल में बेल आइकन नहीं दबा हुआ होता है, जिसके वजह से उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जो कि हमारे वीडियो को मिस कर देते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इस ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, और हम इसको इमरजेंसी में जाते हैं और इसको हम स्टार एच 813 हच डाल के इसको हम दिखा देते हैं। सॉरी मैंने कॉलिंग कर दिया, तो FRV इसका निकल जाएगा और स्क्रीन मोड पे चला जाएगा फ्रेंड। तो हमारा फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम था 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी प्रॉब्लम जो आता हो वो 100% सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।